हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग सीखने वाले क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 3। निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसका मूल ज्ञात करते हैं। इससे पहले हम लोग इसको पहले एक समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में करते हैं। इसको नीचे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो कोना कोनी गुना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर इधर 3x हो जाएगा। अब इसको इधर टपाएंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है तो इधर आएगा, तो माइनस 3x, इसको यहाँ लिख देते हैं 1 बराबर 0। अब यहाँ पे चेक करेंगे इसके आगे क्या है, एक है तो a बराबर 1, यहाँ b बराबर माइनस 3, c बराबर माइनस 1, तो d बराबर सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, सी का मान माइनस 1 दिया 9। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 4, अब जुटेगा तो कितना होगा 13, तो इस तरह होगा। तो यहाँ 0 से डी बड़ा है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक में है। अब द्विघात समीकरण का सूत्र लगाते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टे 2a, बी का मान कितना है माइनस 3 है, प्लस माइनस डी का मान 13, रूट अंडर 13 बट्टे 2, ए का मान 1 है, यहाँ पे प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 बट्टे गुना करेंगे तो अल्फा बराबर 3 प्लस रूट अंडर 13 बट्टे 2, बीटा बराबर 3 माइनस रूट अंडर 13 बट्टे 2। ये दोनों आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों।